कैसी गुजर रही है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज है ना, हमें अल्लाह की जात का हर हाल में शुक्र अदा करना है। रमजान की आमद आमद है, तैयारी हो गई? बस तैयारी आपको सब पता है कैसे तैयारी है भाई। आटा इतने मुश्किलों से मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा। हमने मैसेज किया है, हम नाहल हैं, ये काम करते हैं, कपड़े देख ले हमारे। रिस्क हलाल है आपका? बिल्कुल, शुक्र है। फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, 300-400 का अभी काम किया मैंने, ठीक है। मैसेज किया है, नाहल हो गए हैं उधर हम मैसेज में, तो आटा सबको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। देख रहे हैं हमारे कपड़े, देख रहे हैं, बस यही बात है सब। लेकिन मुझे फख्र है आप पे, खुदा की कसम मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि बच्चों का रिस्क हलाल है। बस देख लें आप, आप लोग बाकायदा हीरो इस फॉर्म के, आप लोग इज्जत के काबिल हो। आप भी यही काम करते हैं? हाँ, पल्लेदारे करते हैं। बहुत मुश्किल हुई है, महंगाई है, ऊपर से रोजे आ रहे हैं, सौदे बहुत तेज है। रोजे रखने ने? हाँ जी, सारे रखते हैं, कभी नहीं खाए। और अपना ख्याल भी रखते हैं, ये रोजों में ये सारे होटल खुले होते हैं। गलत है ना, बाहर के मुल्कों में बंद कर देते हैं, यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले होते हैं। चलें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयत। आयत, क्या कर रहे हो यहाँ पे? फ्रूट्स लेने आए। फ्रूट्स, कौन सा पसंद है फ्रूट? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी आप खड़े हुए वही ले रहे हो आप? कौन सी क्लास में हो? कल से रोजे हैं, रोजे रखोगे? हाँ जी। सारे? हाँ जी। सारे? हाँ जी। सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा? नहीं, कुछ होता। चिड़ी रोजा रखोगे? नहीं। चिड़ी रोजा रखेगी? नहीं। कौन सी क्लास में आप? टू। टू स्कूल? उस्मान स्कूल। उस्मान स्कूल। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, कैसी गुजर रही है? सर इस टाइम तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, अभी मार्केट में फिर रहे हैं और आप यकीन माने कि जो ये रेट दे रहे हैं ना, सफ़ेद पोश आदमी की पहुंच से बाहर है। सफ़ेद पोश का जो एक भरम था उतार के रख दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे, यहाँ हमने सोचा था कि चलो ये नई हुकूमत आई है, कुछ अच्छा काम करेगी, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगी, लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि उल्टा जो है ना ये इतना रिलीफ तो मिला, इतनी महंगाई तो बड़ी है। 12% महंगाई थी, 45% होगी, रिलीफ ही तो है। मेरे हाल ऐसा रिलीफ है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का। सर हम इस काबिल है ना कि हमने 12% के ऊपर आके ना सब ने मेरे समेत सारा दिन माइक लगा के गलियां आज फिटना करना जी, लुटे गए, मारे गए, महंगाई होगी, 45% होगी, ये कराश होते हैं सर। सर आप यकीन माने कि हालात ऐसे बन गए, मैं खुद हैरान हूँ कि जो चीज़ हम तकरीबन एक पैकेज था हमारा रमज़ान का 5-7 हज़ार में लेते थे, अब वो 25-30 हज़ार रुपये पर चला गया। और मैं आज ही वो चीज़ें परचेज यूटिलिटी स्टोर से भी और इतने मुख्तलिफ जगह से हम लोग लेके हैं और मेरा 27 हज़ार रुपये अब तक मैं खर्च हो गया, अभी ये फल नहीं लिया, अभी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर से। तो महीने का नहीं है, यह तो 2 हफ्तों का होना है। और ऐसे ही है बिल्कुल, आप ऐसे बजा रहे हैं। बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आला पंजाब से कि खुदा के लिए रहम करे इसको। अल्लाह करो सकत होना और नहीं। बिल्कुल हकीकत बात ऐसे ही है कि बड़े लोग आप देखेंगे कि हर बंदा ही बेचारा वो पिस रहा है, महंगाई की आग में पिस रहा है। एक वादा कैमरे में मेरे से और करें। जी जी बिल्कुल। खाना पीना छोड़ देना है, कपड़ा पहनना छोड़ देना है, इन बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं इंशाल्लाह वो तो पॉसिबल नहीं, इंशाल्लाह जी वो तो सब कुछ। जी बिल्कुल, बच्चियों की, बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। और ये रिकॉर्ड रहेगा, ये पढ़ा रहेगा इंशाल्लाह। बच्ची जरूर बड़ी हो जाएगी, देखेगी कि मेरे पेरेंट्स ने वादा किया। नहीं इंशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। आइए जी मैं आपको और भी कुछ दिखा दूँ। मंडी से बाहर निकले ना आप नाजरीन, तो ये मेन रोड के ऊपर भी इस तरह स्टॉल लगे हुए हैं। भाई साहब कितने रुपए किलो? ये 200 रुपए किलो है, वो 130 रुपए किलो। फर्क क्या है? बस वो छोटा पीस है, ये बड़ा पीस। वो छोटे हैं तो वो ज्यादा आ जाएंगे किलो में। हाँ जी, वो सस्ता इसीलिए ना, छोटा पीस। मीठा नहीं होगा वो? मीठा ही है, चीज एक ही है, वो छोटा है और ये बड़ा है बस। वो भी नहीं बिकने? नहीं बिक जाने, महंगाई बहुत है जी। बस हम महंगाई है, सारी आलमी दुनिया में महंगाई है जी। कौन सा इधर महंगाई है? हाँ जी ऐसा नहीं की थी भाई, पिछले महंगाई सारी आलमी दुनिया जी महंगाई है। आलमी का मतलब दुनिया ही होता है, आलमी दुनिया महंगाई है जी। आगे आइए जी, खैर मैं आपको कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये नाजरीन वो स्पॉट से जो मंडी के बाहर और ये रेड़ियाँ जो है ना, यहाँ पर बंदे बंदा चढ़ा होता था, रश लगा होता था। रमज़ान एक दिन बाद है, रमज़ान का राशन है। हाँ जी, नहीं महीने का खर्चा रमजान का नहीं अजय लिया, रमजान तो आ गया ना। वाह, लेकिन जो महीने का खर्चा होता है ना समान, वो लेना है। किन्ने का लिया है? तकरीबन 4.5 हज़ार का है। महीना लंघ जाएगा? नहीं अजय, और चीज़ा बड़ी, महीना कितों लंघना है। करते की हो तुसी? मैं रिटायर हाँ। केड़े महकमे चो? रेलवे चो। पेंशन आती है? 20-25 हज़ार होएगी पेंशन? नहीं, मेरी पेंशन 40 हज़ार है।
जाने फिर तो 40,000 से ढेर सारे पैसे ने। नहीं फिर भी उस्ताद जी बड़ा मुश्किल हो गया, 40 रुपए आटे तो 100 से सीधा ही गया, हूँ 150 से 160 हो गया, बड़े मसले ने हूँ, बहुत मुश्किल हो गया। तेल का टीन 3500 का लाइदा सी, 3500 तो सीधा ही 7,500 से हूँ 9-10,000 तो भी उत्ते चला गया। गुजारा किवें करते पे हो? बस कर दे अल्लाह ताला कढ़न वाला गुजारा, से ये वे के अगे ज्यादा सी हूँ जरा घट खा लईदा, बस इन्नी गल है बस। होर बच्चे रोजगार लग गए ने? एक बेटा मेरा हाँ वो रोजगार से लगा बस। अच्छी गल है कि बरसरे रोजगार है, 2 साल है कहने ठीक हो जाएगा। दुआ याद रखा करो, दुआ याद रखा नारायण। बस हर बंदा ही ना इसी भाईजान कैसे मेरी तरह इतने परेशान क्यों हैं, ये मुँह आपका और मेरा ऐसा है, क्या करें जी? जब तक देखें गवर्नमेंट ने क्या हाल कर दिया आवाम का, मुँह ऐसे ही उतरना है। चावा ना लेके आए सर, बस अब कुछ कह नहीं सकते, बढ़िया चावा ना ले आए सर। हो गए ये, इन्होंने इमरान खान को उतार के जो उन्होंने कारनामा करना था वो करके दिखा दिया आपको और मुझे, मारना कारनामा है ये, मारना हमें मार ही रहे हैं। एक देखे रातों रात उन्होंने आटा डबल कर दिया, ऑयल देखे कहाँ चला गया, गरीब क्या करे। रमजान आ रहा है, एक दिन के बाद रमजान है, सबसे बड़ी बात, बड़ी बात जो है रमजान आ रहा है, हर चीज देखे डबल रेटों पे हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। की बनेगा नया पाकिस्तान देखे, अब दोबारा कब बनता है? एन जी है जी, बस रलिया मिलिया खाता ही है, पता नहीं की बनेगा। चाचा जी क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। तो भैया ठीक है जी, बड़ी अच्छी सवारी है ताड़ी। हाँ जी शुक्र है अल्लाह ताला, रोजगार भी ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं जनाब। महंगाई चंगाई कोई नहीं है? महंगाई तो है काफ़ी ज़्यादा, किमें गुजारा हो रहा? मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है भाई जान, लंग रही है रमजान आ गया। जी 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 जी, अल्लाह को शुक्र है, थैंक यू। आप क्या बेचते बेटे? ये केले मारा ही काम है सर, वो अच्छे हैं। ये सारे केले ये मारे, फसल ही कम आई है, फसल का मामला है इसीलिए ऐसे हो गया। क्या रेट आया था ना पानी का सलाब, उसकी वजह से ये रेट क्या है? ये 300 रुपये दर्जन दे रहे हैं, 300 बेच के भी नहीं हमें प्रॉफिट हो रही है, 300 बेच के नहीं प्रॉफिट हो रही हमें। ये हमारे पास पर्ची है मंडी की, ये बहुत महंगे आए हुए हैं, ये टोटा हमें मिला है, एक टोटा 900 रुपये का जिसमें है 3 दर्जन, अगर बताएं हम क्या रेट बेचेंगे? इतना क्यों इकट्ठा माल उठा लिया है? माल उठा लिया हमें, हमारा काम ही रमजान की वजह से, रमजान नहीं, हमारा काम खुद का यही है, इतना ही लाते हैं हम केला। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, रमजान से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की कि रमजान में हर घर के अंदर स्टोरी जो होती है, महीने का इकट्ठा राशन लेते हैं, सब्जी फल सारा कुछ इकट्ठे लेते हैं, लेकिन बाहर निकल के जो हालात है वो मैंने आपके सामने रखे, हर बंदा परेशान है, एक दिन के बाद रमजान है, सब्जी मंडी खाली पड़ी हुई है जहाँ पर इतना रश होता है रूटीन में, और रमजान से पहले तो बहुत ही ज्यादा रश होता है, बट दैट इज हाउ इट इज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों को, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखिएगा।